आज हम देख रहे हैं 15, 40, 48 का एलसीएम निकालेंगे हम भागफल विधि से। इससे पहले तुम्हें एलसीएम निकालना सिखाया था हमने अपवर्तीय निकाल, कैसे सिखाया था अपवर्तीय निकालना, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी समझाया था, समझाया ना आपको, सबको समझ में आ गया है अपवर्तीय विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। कौन से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम करेंगे भागफल विधि से। देखो भागफल विधि से कैसे करेंगे, हम इन सब को भाग करेंगे, इन सब में हम भाग करेंगे। देखो हम यहाँ लिखेंगे 15, 40 और 48 जो संख्याएं हमें दी हैं, जिनका हमें एलसीएम निकालना है, हम उन्हीं को यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन संख्याओं में हम किस सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग दे सकते हैं। क्या हम सबसे छोटी संख्या हमारे पास बचती है? 2 होती है ना, तो 2 से जब हम भाग देंगे, क्या 15 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। क्या 40 हो जाएगा? यस सर। क्यों? क्योंकि सर, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। और हम नियम पढ़ चुके हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है अथवा कोई सम संख्या है, तब हम उस संख्या में 2 से भाग दे सकते हैं, या वह संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित होगी। 48, क्या 48 2 से विभाजित होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सम संख्या है, 8, इसमें ये विभाजित होगा। तो हम सबसे पहले, अब हमें देखना ये है कि 15 तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो जो विभाजित नहीं होगा उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, जो विभाजित हो जाएगा उसे विभाजित कर देंगे। तो 15 को हम यहाँ ऐसे ही ए बी जुटा देते हैं, लिख देते हैं, इसमें हम भाग करेंगे 2। कितने? 2 और 0। यहाँ 24। अब देखो अब किस संख्या से भाग करें इसमें हम, अभी 2 से हो सकता है, 15 को ऐसे ही रख लेंगे हम एल पी निकाल देंगे, इसमें कितना और इसे 12 से भाग हो जाएगा। अब फिर से हम किससे भाग दें, अभी तो हम 2 से ही कर सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या हमारे पास 2 ही है, 15 यहाँ, 5 यहाँ, 6। अब देखो अभी हम किससे करें, अभी भी 2 से हो सकता है क्योंकि 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 15 को एज इट इज, 5 को एज इट इज, तो इसे 3। अब देखो ऐसी कौन सा संख्या है जिससे हम तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं? अब सर 3 से हम कर सकते हैं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, लेकिन 5 विभाजित नहीं होगा। पहले 3 से कर लेते हैं, देखो 3 कंगे 5 को एज इट इज और 3 एकम 3। अब किससे करेंगे? अक्सर 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 1 एकम 1, हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, अब देखो हमें तब तक भाग करते जाना है जब तक कि हमारे पास तीनों स्थान पर, या यहाँ पर चाहे 2 संख्या होती या 4 होती या 6 होती, जब तक हमारे पास एक ना आ जाए, सब संख्याओं के स्थान पर एक ना आ जाए, तब तक हमें भाग को करते रहना है। अब हमारे पास जो संख्याएं बचेंगी, अब देखो इसका एलसीएम हम कैसे लिखेंगे, जो गुणनखंड बनेंगे हमारे पास ये जितने भी आ रहे हैं ना, इन सबको हम ऐसे ही लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × कितनी बार है? 2, 4 बार, 1, 2, 3, 4, फिर एक बार है 3 और एक बार है 5। अब इनको हम क्या कर लें, गुणा कर लें, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 16 = 48 और 48 × 2 = 240। कितना आ गया इसका आंसर? 240। अब हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे 15, 40, 48 का एलसीएम बराबर 15, 40, 48 का एलसीएम
देखो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करने एवं अपवर्त्य विधि से करने में और भागफल विधि से करने में इजी क्या है या इनमें अंतर क्या है। हम जब अपवर्त्य विधि से कर रहे थे तब हम सब के अलग अलग अपवर्त्य निकाल रहे थे, पहले 15 का निकालते फिर 40 के निकालते फिर 48 के निकालते, उसके बाद उनका समापवर्त्य ढूंढते हम कि तीनों में कौन कौन से समान अपवर्त्य हैं, उसके बाद एक लाइन वो लिखते हैं, फिर हम उसमें से ढूंढते हैं कि सबसे छोटा समापवर्त्य कौन सा है और जो सबसे छोटा समापवर्त्य होता वही इन संख्याओं का एलसीएम होता। लेकिन यहाँ पर हमने सबको एक साथ डिवाइड करते चले गए, यानी एक साथ हम इसे भाग करते चले गए और हमारा आंसर निकल कर आ गया 240। तो ये हमारा विधि, जो ये विधि है भागफल विधि, ये अपवर्त्य विधि से ज्यादा इजी है क्योंकि इसे हम एक साथ, क्लियर।